तो अगला टॉपिक है हमारा, और टॉपिक मेरा नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा है और मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, थोड़ा देर पहले आपकी क्लास से करीब 6 बजे के आसपास मुझे किसी ने कॉल किया, मैं नाम बताना चाहूंगा उनका जरूर। अभिषेक शर्मा जी ने मुझे कॉल किया है। ठीक है, तो अभिषेक शर्मा जी ने मुझे कॉल किया है और उन्होंने मुझसे अपनी एक प्रॉब्लम डिक्लेयर की है। वो कहते हैं कि मेरे एक फोल्डर में तकरीबन 25,000 से ऊपर पीडीएफ फाइल है, मुझे क्या करना है कि जो उसका नाम है उस नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, वो पीडीएफ उठा के उसमें डाल देना है। अच्छा, समझे? मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो इसलिए मैंने अभी पहले प्रोजेक्ट आपको करके दिखाया था ताकि मैं पीडीएफ कई सारे पीडीएफ क्रिएट कर सकूं। तो मेरे इस लोकेशन में बहुत सारे पीडीएफ है, मुझे क्या करना है कि न्यू फाइल पे जाना है, इसका नाम देना है 1 और इसके अंदर इस 1 को उठा के मूव कर देना है। हो गया? जी। इसी काम को हमें करना है पीडीएफ के कारण। तो 1 by 1 वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास 25,000 से ऊपर पीडीएफ फाइल है। जी। तो चलिए इसके लिए माइक्रो, तो सबसे पहले एक टेस्टिंग माइक्रो रखते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहेंगे कि कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे और कैसे उसके अंदर फाइल को मूव करेंगे। एक सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे करके देख लेते हैं। ठीक है, एफएल एंड फाइल लाइक इट ओपन क्लोज। तो सबसे पहले फोल्डर बनाने के लिए होता है NKDIR और इसके अंदर हमें 1 नाम का फोल्डर इस लोकेशन में बनाना है /1, राइट। उसके बाद एक होता है आपका रीनेम या नेम होता है नेम नहीं नेम कमांड ही होता है, कॉपी तो कॉपी कर देता है ना, एक नेम कमांड होता है जी। यहाँ पे नेम मैं काफी पहले यूज किया था, इसे थोड़ा सा भूल रहा हूं मैं, तो कॉपी किया पेस्ट और यहाँ पे एज इट स्लैश 1.c नहीं यहाँ पे है ना ए 1.pdf/1.pdf। जी हाँ, नेम कमांड n बड़ा हो गया मतलब कि कमांड एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहां 1 हट गया जी और यहां 1 आ गया जी। जी आ गया ना सर? हाँ जी। तो मतलब कि हमें कोड मिल गया, मिल गया जी। तो नेम कमांड होता है जो कि हम रिनेम भी कर सकते हैं, मतलब कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं जी। इसने मूव कर दिया एक फाइल से दूसरे फाइल में, इसने मूव कर दिया और मेक डायरेक्टरी फंक्शन बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा फाइल नेम, कि फाइल नेम हमें कैसे पता चलेगा 1, 2, 3, 4। जरूरी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 ही नंबर में ना हो, हो सकता है कि नाम बड़े हो छोटे हो वगैरह वगैरह। तो यहां पे हम यूज करेंगे DIR फंक्शन। तो उससे पहले मैं DIR फंक्शन के बारे में समझा देता हूं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम देते हैं एक वेरिएबल dim fn as a string, fn equal to DIR और इसके अंदर हमने प्लस फाइल का फोल्डर का पूरा पाथ दे दिया, जो पाथ है हमारा जिसमें सारे हमारे पीडीएफ हैं उसका पाथ हमने यहां दे दिया। लेकिन इसमें क्या है कि star डॉट
पीडीएफ लगा दिया जी। सारे पीडीएफ फाइल और कोई और फाइल है आपकी, एक्सेल की फाइल है, नोटपैड की फाइल है, एचटीएमएल की फाइल है, तो एक्सटेंशन विस्तार के साथ आप यूज कर सकते हैं। फिर वीवी नॉर्मल है कि नॉर्मल फाइल देना है। तो डीआईएफ फंक्शन क्या करेगा कि इस लोकेशन से जितने भी पीडीएफ फाइल है सबका नाम का लिस्ट अपने पास रख लेगा। बट यहाँ पे क्या है, एसएन है, मतलब कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एक बार में एक ही नाम ले सकता है। जैसे यहाँ पे हम मैं करता हूं एम एस जी बॉक्स एसएन, तो आप इसको जब रन करके देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ वन डॉट पीडीएफ दिखाया। मुझे दूसरा फाइल चाहिए तो फिर मैं वो आपस मुझे एफ वन इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा और फिर देखिए एम एस जी बॉक्स एफ एन। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि वन डॉट पीडीएफ पहला नाम दिया जी। फिर डी आई आर ने एफ एन के ऊपर दूसरा नाम लोड किया, फिर दूसरा मैसेज बॉक्स आपका दूसरा फाइल दिखा रहा है जी। समझ गए? हाँ। तो मतलब कि बार बार डी आई आर को रिलोड बोलते हैं, इसको रिलोड करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे एक बंदूक है जो कि एक बार में एक चलता है, क्योंकि देसी कट्टा है समझ लीजिए, और ये आपके सामने सारे के सारे गोली है, तो वन बाई वन आपको रिलोड करना पड़ेगा। तो ये चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं डिम एफ एन ऐसे स्ट्रिंग, और फिर मैं ये फंक्शन ये फॉर्मूला डाल देता हूं पूरा का पूरा। तो हमारे पास एक लूप होता है डू वाइल। डू वाइल जो है एक कंडीशन पे चलता है। मैंने बोला कि जब तक तुम चलो जब तक कि एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, जैसा ही क्योंकि डी आई एल के पास सारे नाम जब खत्म हो जाएंगे तो रिलोड करते समय वो ब्लैंक इंस्टॉल कर देगा। क्या इंस्टॉल करेगा? ब्लैंक। ब्लैंक तो जैसे ही ब्लैंक इंस्टॉल हुआ वाइल क्या करेगा, लूप को क्लोज कर देगा। समझ गए? तो यहां जैसे कि यहां जैसे आपने फोर लूप लगाया तो फोर में आपने स्टार्टिंग एंडिंग दिया ना, बट जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग का कुछ पता ना हो, हमें कंडीशन हो, जैसे यहां पे कंडीशन है एटेन, जब जैसे बार 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 रिलोड करेंगे तो जब एसएन के डायरेक्टरी के बाद कुछ नहीं रहेगा तो एसएन के ऊपर ब्लैंक शो करेगा। क्या शो करेगा? ब्लैंक। और यहां पे ब्लैंक देखेगा तो ए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें हम एक काम और करते हैं। स्लैश में हमने यहां पे दे दी। अब यहां पे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि एसएन डॉट वन डॉट पीडीएफ है, बट मुझे यहां पे सिर्फ वन नाम का फाइल बनाना है ना, एक्सटेंशन तो नहीं देना है क्या सर? तो क्या, चलिए इसके लिए की मदद लेते हैं। जैसे कि वन डॉट पीडीएफ है तो मुझे वन अलग करना है, तो ऐसा नहीं मैं लेफ्ट लगाया अलग कर लिया, क्योंकि नाम छोटा बड़ा सब कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला दूंगा फाइंड का, क्या दूंगा? फाइंड। फाइंड में हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और इसके अंदर जाएंगे और कॉमा वन, ये बताएगा कि डॉट जो है कितने नंबर पोजीशन पे है। और फिर यहाँ पे हम लेफ्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी कंप्लीट लेन माइनस टू, माइनस टू नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इसकी कंप्लीट लेन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ टू माइनस वन कर देते हैं, वन आ गया। अब नाम मैं थोड़ा सा बड़ा दे देता हूं तो बड़ा आ जाएगा, ऑटोमेट है। पर फाइंड फॉर्मूला डीवी में सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए उसके पास ऑलरेडी स्ट्रिंग इन एसटीआर का फॉर्मूला है। तो यहां पे डिम डी एज ए हम लग देते हैं लॉन्ग या इंटीजर, और फिर लूप में हम करते हैं कि डी इक्वल टू लेफ्ट, डी इक्वल टू इन एस टी आर, इन एस टी आर ब्रैकेट ओपन, और इसमें आपने बोला स्टार्ट वन से स्टार्ट करें, क्या किसमें ढूंढना है तो ढूंढना है एस एन में, क्या ढूंढना है तो डॉट,
उल्टा ऐसे लगता है। फिर यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे dim sl फोल्डर एज ए स्ट्रिंग कर देता हूँ, फोल्डर नेम बनाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ sl इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट में sn हमने बोल दिया d माइनस वन। तो जो फोल्डर नेम बनेगा वो sl पे है, तो यहाँ पे हम sl देते हैं, sl नाम का फोल्डर बना देगा। ओके ये str वाला वापस क्या बोल रहे हैं, ये इन str का जो आपने लॉजिक लगाया ना ये एक्सेल पे जैसा आपका ये फाइन कर रहा है ना काम, फाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब वो समझ में आया। तो जो फाइंड कर रहा है वही एनएसटीआर कर रहा है, डॉट को ढूंढ बता रहा है कि डॉट एसएन के ऊपर ये फाइल नेम जो है उसके अंदर डॉट कहाँ पे है, डॉट जहाँ पे है वहां से एक कम, क्योंकि तो डॉट तक की गिनती देता है, एक कम उठा के लेफ्ट अलग कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं हमें पता है फाइल नेम क्या है @fl। ठीक है, और हमें यहां फोल्डर नेम चाहिए होगा, तो फोल्डर नेम में हमारा है sl और स्लैश और फाइल नेम है हमारा sl। हो गया, अब इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। दिख गया, एक में एक का फोल्डर आया, फाइल आ गया, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, चौथे में चौथे का, समझ गया जी। अब बात आती है जो हमारे यूजर है जिसके लिए मैं बना रहा हूं वो कैसे यूज करेंगे, तो उनको मैं एक कोड जो है कोड मैं मेल से भेज दूंगा। उनको क्या करना है, अभिषेक जी आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि रिकॉर्डिंग अभिषेक जी को मैं भेजूंगा थोड़ा देर में, तो अभिषेक जी आपको क्या करना है कि आपको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है डेवलपर टैब में, हो सकता है आपके पास डेवलपर टैब ना हो तो आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस F1, उसके बाद आपको इंसर्ट में आके एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, एक मॉड्यूल, उसमें इस मैक्रो को पेस्ट कर दीजिए। जो इस मैक्रो का पेस्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे जो मेरा फाइल का नेम है ना, जो फोल्डर नेम है, स्लैश से पहले स्लैश रहने दीजिएगा, स्लैश से पहले जो फोल्डर नेम है उस फोल्डर पाथ को आप अपने फोल्डर पाथ के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिएगा। अब इसको हो सकता है कि कई सारे जगहों पे फोल्डर पाथ चेंज करना है ना सर, तो मैं ये काम कर सकता हूं कि इसको और सिंपलाइज करने के लिए मैं dim fd पाथ एज ए स्ट्रिंग कर देता हूं, क्या सर, और पाथ इक्वल टू मैं इस पाथ को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पे क्या होगा कि मैं यहां पे पाथ को सिर्फ कॉल करूंगा। ठीक है सर, इनवर्टेड कॉमा में डालना हो और जहां जहां पाथ की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां स्लैश फाइव तक चाहिए वहां वहां मैं पाथ लेता हूं। यहां भी पाथ चाहिए, यहां भी पाथ चाहिए। अब क्या होगा कि जो हमारे अभिषेक जी है वो सिर्फ अपना जो फोल्डर पाथ है यहां पे चेंज करेंगे, बट ध्यान रहे लास्ट में स्लैश होना चाहिए, क्योंकि जब आप उठाते हैं किसी फोल्डर का पाथ तो उसमें स्लैश नहीं होता है। जब यहां से मान लीजिए मैं किसी फोल्डर का पाथ उठाऊंगा तो उसमें लास्ट में स्लैश नहीं होता है, तो लास्ट में स्लैश होना चाहिए आपके पास। अगर लास्ट में स्लैश लगा है तो वर्क करेगा, तो आपको यहां पे पाथ चेंज करना है, उसके बाद आप जो है
मैक्रो पे जाएं, व्यू में मैक्रोस, और अपना इस मैक्रो को रन कर दे, जो मैक्रो आपने बनाया है ना, ये यहाँ पे डीडीए जो भी नाम मैंने दिया हुआ है, क्या नाम है इसका, एसएल फाइल को रन कर दे। ओके, अब किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? हेलो, आप पूछिए। जी सर, हाय सर, गुड इवनिंग, जाहिद बात कर रहा हूँ। बोलिए जाहिद। सर, ये जो नेम फंक्शन है यहाँ पे, ये जो पाथ को, ये हमारा जो ऊपर है, ये जो है मेक दिया यार, ये हमारी डायरेक्टर वो कर रहा है क्रिएटर, राइट सर? लेकिन ये जो नेम है, ये यहाँ पे एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, एज ए फाइल को मूव कर रहा है? हाँ, मूव कर लीजिए या रिनेम कर लीजिए। अगर आपने सेम पाथ दिया है तो रिनेम होगा, पाथ डिफरेंट दिया है तो मूव होगा। मतलब कि जो ओरिजिन पाथ है और डेस्टिनेशन पाथ है, अगर दोनों डिफरेंट है तो मूव होगा, दोनों सेम है तो रिनेम होगा। ओके, तो मतलब ये फाइल को मूव कर रहा है सेम फोल्डर के अंदर, राइट सर? नहीं, फाइल को मूव कर रहा है किसी और फोल्डर के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे जो है ये पड़ा है 2020 के पांचवे नंबर फोल्डर पे, और इसको उठा के ले जा रहा है जो फोल्डर उसने क्रिएट किया है उस फोल्डर में, जैसे यहाँ फोल्डर क्रिएट हुआ है ना सर, तो सर ये जो नेम फंक्शन है, इसका सिर्फ यही यूज है सर, या और कुछ भी सर इसका, यही यूज है और वे में? ओके, वही यूज है। फाइल, किसी भी फाइल को रिनेम करता है, सिर्फ फाइल में करता है, फोल्डर को नहीं, ध्यान रखिएगा, किसी भी फाइल को रिनेम करता है। नहीं सर, एक सेकंड, जो ऊपर हमारा ये इसने फोल्डर क्रिएट किया है, राइट सर? हाँ, ये तो फोल्डर क्रिएट करता है। अब जो सेकंड है जी, अब जो सेकंड है, क्या ये उस पीडीएफ फाइल को, उस एक नंबर जो फोल्डर जो हमारा क्रिएट हुआ है, उसमें मूव कर रहा है वो? जी हाँ, मैंने आपको बोला तो ना सर कि नेम के दोनों तरफ फाइल का डेस्टिनेशन अगर सेम है तो रिनेम करेगा, फोल्डर नेम सेम है तो रिनेम करेगा, फोल्डर अलग अलग है तो मूव करेगा। ओके, लेकिन नहीं जी सर, जैसे कि आपने नाम अलग अलग दिया हुआ है, दो नेम दिया हुआ है, ठीक है ना, फाइल नेम अलग अलग है लेकिन लोकेशन सेम है तो फाइल आपको रिनेम कर देगा, बट फाइल नेम भी अलग है, लोकेशन भी अलग है तो उसको मूव कर देगा। सर, ये INSTR के अंदर जो वन लगाया है, INSTR वन, वो स्टार्टिंग से शो करेगा। देखिए, जो फाइंड का फॉर्मूला है ना सर, जस्ट लाइक फाइंड फॉर्मूला में भी वन था ना सर? हाँ, यस यस, एक से शुरू करेगा, एक से शुरू करेगा। यस, ठीक है, ओके सर। और किसी को डाउट सर? सर, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो प्लीज। जी, कर देता हूँ। ओके, मोबिन जी, आप कुछ बोले थे, आपको कुछ डाउट था? जी, मैं कह रहा था कि वो जो अपने